हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको बता देते कि अभी चीन ने एक महाविनाशकारी रोबोट आर्मी तैयार की है। तो इस ये वीडियो देख के आप चौंक जाएंगे कि चीन ये क्या करने वाला है, जिससे सारी ऑल ओवर कंट्री घबराई हुई है। चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलो बताते हैं दोस्तों चीन के बारे में। चीन ने बनाई महाविनाशकारी रोबोट सेना जो पल भर में कर सकती है पूरी दुनिया को तबाह। चीन की हरकत देखकर भारत, अमेरिका, रूस और जापान की बड़ी परेशानियां, इस बात में कोई राय नहीं है। युद्ध का युग चल रहा है दोस्तों। विश्व में इस वक्त दो बड़े महायुद्ध चल रहे हैं जो किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी लगा सकता है, यानी तीसरे विश्व युद्ध को चुनौती दे सकता है। लेकिन किसी भी युद्ध में दोनों तरफ के हजारों लाखों सिपाही को शहीद होना पड़ता है। इसलिए अब भारत से लेकर अमेरिका, रूस और जर्मनी तक दुनिया की सभी महाशक्तियां रोबोट आर्मी बनाने की कोशिश में लगी है। तो अमेरिका और रूस में लड़ाकू रोबोट बनाने का काम बड़े पैमाने से चल रहा है। लेकिन एक ऐसा देश है जो हमेशा की तरह दुनिया से छिपे कर ऐसी जानलेवा रोबो आर्मी बना रहा है जो पूरी तरह से दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। चीन के हरकत को देखकर पूरी दुनिया हैरान और परेशानी में है। क्यों हमेशा से चीन जो भी हरकत करता है उसके पीछे उसके काले मंसूबे होते हैं। जैसा कि पिछले सालों चीन ने भारत के बॉर्डर पर अपना छोटे जंग रोबोट तैनात कर दिए थे जो उतने खतरनाक नहीं थे। लेकिन बीते एक साल में चीन ने ऐसी एडवांस रोबोट आर्मी बना ली है जिसे देखकर आप की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन उसके पहले अगर आपको पूरा भरोसा है कि चीन चाहे जो कुछ कर ले वो भारत का बाल भी बाका नहीं कर सकता, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। रोबोट आर्मी में चीन की दिलचस्पी देखकर दुनिया के होश इसलिए उड़ गए क्योंकि चीन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इस वक्त चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहां दुनिया भर के देश अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों में मैन्युफैक्चर करवाते हैं। इसी ताकत की वजह से चीन के सामने अमेरिका भी कमजोर पड़ता है क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं चीन पर भी निर्भर करता है। ऐसे में अगर चीन जानलेवा रोबोट बनाने में कामयाब हो गया तो अपने मैन्युफैक्चरिंग हब में होने का फायदा उठाते हुए बड़े पैमाने पर इन जंकी रोबोट्स को तैयार कर सकता है। सस्ते मगर घातक रोबोट होंगे जिसका इस्तेमाल करके वो दुनिया पर राज करने के लिए निकल सकता है। अगर ये बात आपको कोई फिल्मी कहानी लग रही है तो अगले कुछ मिनटों में आपकी पूरी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी क्योंकि हम चीन के कुछ खतरनाक रोबोट की एक झलक दिखाएंगे और आखिर में चीन का इंसानों की तरह ही दिखने वाला घातक इंसान रोबोट भी देखने को आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सबसे पहले जरा देखिए इस रोबो को, ड्रोक को, इसकी आर्मी को जो जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन ने अपने की पीठ पर कहीं तरह से हथियार फिट किए हैं, अटैचमेंट में भी बना लिए हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक मशीन गन से ये रोबोट दुश्मनों पर गोलियों की बौछार कर सकता है, मिसाइल लॉन्च से शॉर्ट रेंज में दुश्मनों के ठिकाने पर धमाके कर सकता है और फ्लेम थ्रूसर से सामने आने वाले सैनिक को बुरी तरह से जलाकर राख कर सकता है। चीन का ये रोबो डॉल किसी भी साधारण कुत्ते से कई गुना तेज भाग सकता है और इसमें लगे कैमरा रोस से कंट्रोल रूम में बैठी चीन की सेना सामने वाले के हर कदम पर नजर बनाए रख सकती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये रोबो टॉक कितना खूंखार खतरनाक है, पर तब जब अटैक कर सकता है, जब इसका आखिर पूजा काम करना बंद कर दे। हाल ही में ये चीन की एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी ने इस रोबो डॉग को लेकर एक वीडियो जारी किया था जिसमें ऑटोमेटिक ड्रोन एक जंगी कुत्तों को उठाता है और एक बिल्डिंग की छत पर ले जाकर छोड़ देता है। फिर ये रोबो डॉग अपने पैर खोलकर टारगेट
की तलाश में चलना शुरू कर देता है, यानी जून की मदद से चीन सेना को अपने दुश्मन के बॉर्डर पे भी उतार सकती है। इसकी हरकतें देख कर वाकई में रूह कांप जाती है। लेकिन चीन अपने ड्रोन शिप रोबोट्स को यहाँ वहाँ छोड़ने के लिए नहीं बना, बल्कि हाल ही में चीन ने अपने सबसे घातक जोन ब्लू पीस A3 की भी झलक दिखाई थी। तीसरी पीढ़ी का ये जोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी से लैस है, जो कि बेहद सस्ता, लाइट वेट और बेहद घातक है। ये कोई बच्चों का खेलने का हेलीकॉप्टर नहीं, बल्कि ऐसा ड्रोन है जो झुंड में काम करता है। यानी चीन एक साथ कई जोन्स को अपने दुश्मन के इलाके में छोड़ सकता है। और हमेशा से चीन की बुरी नजर जिन देशों पर है, उनका नाम तो आप जानते ही हैं कि जी हाँ, भारत, जापान, वियतनाम और ताइवान। इसके अलावा किसी भी देश का सगा वो नहीं है। बात करें तो ड्रोन कैसे काम करते हैं, तो ब्लू प्रिस A3 में खतरनाक मोर्टार सेल और अलर्ट टू ग्राउंड मिसाइल लगाई गई है, जिन्हें लेकर ड्रोन अपने टारगेट के ठीक ऊपर जाते हैं और बम गिराकर खतरनाक तबाही मचाते हैं। इन ड्रोन को सेना के इंजीनियरिंग ने कहीं से भी ऑपरेट करने के लिए बनाया है, जिसके लिए उसके पास लीन स्क्रीन वाला एडवांस लैपटॉप है, जिससे बैग की तरह फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकता है। चीन इन ड्रोन को काफी बड़ी मात्रा में बना रहा है, जिससे भारत को भी खतरा है। हालांकि भारत के पास DRDO के घातक ड्रोन है, जैसे कई जंगी ड्रोन भी हैं जो चीन के इन ड्रोन के छक्के छुड़ा देंगे। लेकिन चीन हर चीज का मास डिफेंस करके अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है। दोस्तों, आपने देखा, हर जंग एक लड़ रहे हैं, सिपाही का खाना पीना और बम बारूद खत्म हो जाते हैं, तब हेलीकॉप्टर में सप्लाई लोड करके उसे जगह ड्रॉप किया जाता है। लेकिन इससे दुश्मनों के हेलीकॉप्टर का भी खतरा रहता है, इसलिए चीन ने इसके लिए अपने रोबोट को ही बना दिया है। इन रोबोट का नाम है याक रोबोट्स। जी हाँ, वाइल्ड याक जानवर से प्रेरित यह काफी शक्तिशाली और विशालकाय रोबोट है, जो बर्फीली चट्टानों से लेकर रेतीली रेगिस्तान तक किसी भी परिस्थिति में चल सकता है। चीन ने इन रोबोट को भारी मात्रा में तैयार किया है और इनका इस्तेमाल बॉर्डर पर मौजूद सेना और सपोर्ट पर किया है। तो दोस्तों, आपको पता है ये वीडियो सभी कंट्रीज के लिए कितना खतरनाक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाली तमाम ऐसी वीडियो आप तक मिल सके। वीडियो की आज यहीं तक हम शुरू